हेलो एवरीवन, पिछली बार हम बना रहे थे हमारा एक आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा जो एलिवेशन कंपोनेंट बनाने का जो पार्ट है थर्ड, वो भी ख़त्म हो चुका है और आई थिंक आप एलिवेशन के सारे कंपोनेंट बनाना सीख चुके हैं। जो अभी नए हैं वीडियो पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने सारे वीडियो देख लें। और मैंने भी वीडियो बनाने में दिन पर दिन अपनी वॉइस क्वालिटी वगैरह सब सुधारने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिल पाए। चलिए, तो अब आखिरी हम 11th पार्ट लेके चलते हैं, फाइनल टच ऑन एलिवेशन। इसमें मैं पिछले में ही कवर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके चलते हम नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पिछला पार्ट चल रहा था, हम उसमें विंडो का कलर चेंज कर रहे थे, ठीक है। चलिए फिर से हम वापस ट्राई करते हैं, विंडो का मटेरियल चेंज करते हैं। तो वही प्रोसेस, एडिट टाइप, देन ये मटेरियल ग्लास वाला, तो अभी यही ग्लास रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा ग्लास मटेरियल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप मटेरियल वाइट मटेरियल ले लेते हैं, और ये भी हमारा कौन सा माई वाइट मटेरियल लेना है, और ये भी हमको लेना है माई वाइट मटेरियल। इतना फास्ट इसीलिए कर रहा हूँ मैं ताकि आप भी अपना वर्क जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। ये देखिए, यहाँ मेरा मटेरियल चेंज हो गया है, अप्रोक्स सारी विंडो का मटेरियल चेंज हो गया है, सिर्फ ये अकेली बची है। चलिए काम करते हैं, इस विंडो को W1 ही कर देते हैं। चाहे तो आप इसका मटेरियल बाद में चेंज भी कर सकते हैं, पर मैंने अपना समय बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। इसका जो मटेरियल है हमारे एलिवेशन में, ये वाला है। मैंने यह एक पेंटिंग लगाई है, आप भी चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट करा, मैंने सिंपली एक एक्सट्रूजन क्रिएट किया है, एक्सट्रूजन बॉक्स, और उस पर मैंने एक मटेरियल की एक इमेज है, इमेज को मैंने मटेरियल में अप्लाई किया और यहाँ पर एक पेंटिंग रेडी हो गई, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे अगर आपने मेरे पुराने वीडियो अच्छे से देखे हैं तो। चलिए अब हम इस पर भी एक अप्लाई कर देते हैं, तो पेंट दबाएंगे PT, देन ये ओपन होगा। अब माई ब्लैक पैटर, ओके ओके, लगभग हमारा इसका लुक आ चुका है। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करते हैं और चेक करते हैं। हाँ, अब हमारी कमी रह गई है, तो बस ये जो हमने अभी तक नहीं किया है वो है क्या, अब हमको इस पर लगाना है माई लाइट पैटर, दिस 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 एंड दिस। इस वाली वॉल पर भी करना है हमको, ओके। चलिए, तो सिर्फ ये वाली वॉल बची है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन में मैंने इस कलर के साथ मैच कराने के लिए इस वॉल को पिंक टाइप का एक कलर दिया है, तो मैं इसको पिंक कलर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हमारा सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब ये वाली जो वॉल है, इस पर भी मैं अपना लाइट मटेरियल ही अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए, लाइट मटेरियल जो हमने अप्लाई किया है, तो ये जो डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है, तो इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज पर जाना है, मटेरियल्स पर जाना है, और ये जो हमने लिया था कौन सा था, माय लाइट पैटर्न, देन अपीयरेंस एंड क्लिक ऑन इमेज, ओके। चलिए, इमेज ओपन हो रही है। जैसे ही हमारी इमेज ओपन होती है तो हमको क्या करना है, अगर आपने सोच लिया तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। हमको इसकी स्केल बड़ी करना पड़ेगी, 3 फीट की स्केल लेके देखते हैं एक बार। ये हिट एंड ट्राई मेथड है, ट्राई करते जाइए तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। अभी हमने हमारे अकॉर्डिंग लिया है इसको, और ये इमेज लेने में एक फ़ायदा ये हो गया कि ये जो पैटर्न है इसका, इसके हमारे कलर के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है ना। चलिए ठीक है, अब हमारी ये चीज़ें भी कवर हो चुकी है। अब बची हमारी ऊपर वाली वॉल, तो इसमें मैं काम करता हूँ, यही वाला कलर यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, पिंक वाला, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा।
चलिए अब ये जो स्लेब की डिज़ाइन है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे स्लेब है इस टाइप से डिज़ाइंड है, लेकिन यहाँ पर तो अलग टाइप की आ रही है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, टावर वाले लेवल पर चलते हैं। हमने टावर लेवल क्रिएट नहीं किया, बेटर रहेगा कि हम एक टावर लेवल क्रिएट कर ही लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना आए। साउथ में चलते हैं। लेवल क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, LL दो बार L प्रेस करना है, देन टावर लेवल हमको इसी हाइट पर चाहिए, क्लिक हियर, देन हियर नेम इट TL, दिस मीन्स टावर लेवल, ओके, देन क्लिक हियर टावर लेवल, दिस इज़ अवर रूफ। और एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर नीचे के मुझे कुछ चीज़ शो कराना है तो काई में जाना है अंडर ले, ओके, और यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर का शो कराना है तो फर्स्ट फ्लोर शो करवा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडिट बाउंड्री करते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ओके ओके, देन ठीक है, अब पहले से कुछ अच्छा दिख रहा है। चलिए अब हमको इसकी डिज़ाइन देना है, क्या करना पड़ेगा, चलिए ये भी सिखाता हूँ मैं इसकी स्लेब की डिज़ाइन करने के लिए। आर्किटेक्चर में जाएंगे हम, मॉडल इन प्लेस, अब आप जो भी यहाँ से चाहें सीलिंग या केस वर्क कुछ भी ले सकते हैं, चलिए मैं केस वर्क ही ले लेता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट बनाना इधर। क्या करना है हमको, अब इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इस साइड में हमारी, और हम सिलेक्ट करते हैं स्वेप, ठीक है। धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पर कौन सी कमांड यूज़ करना है। पिक पाथ, मैं एक पाथ पिक कर लेता हूँ, मुझे इसके आसपास ही बनाना है। चलिए एक बार यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन अब इसको इसको करते हैं हम रोटेट, देन अब क्लिक करेंगे यहाँ पर, ओके, पाथ हमारा हो गया पिक। अब फ्रंट पर जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। अब देखिए एडिट प्रोफाइल में ये यहाँ पर ज़रूर हमारा सेंटर शो हो रहा है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी बनाएंगे तो वहीं बनेगा। जैसे सपोज़ मेरा ये एक इंच ऊपर है, ठीक है, ओके, और इधर ये बाहर निकला है 3 इंच, ओके, देन इधर आया है मेरा 2 इंच, इधर भी 2 इंच, ओके, और ये तीनों चीज़ें मैं करता हूँ सिलेक्ट, और इसको मिरर कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया इधर भी मेरा क्रिएट, और इन दोनों को मैं पैक कर देता हूँ, और ये वाली जो लाइन है ये जाके यहाँ पर जॉइन कर देता हूँ, ओके, देन ओके। अब ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसको आप थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको जो भी कलर देना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम इसको वही एक काम भूल गए, वो है ये मटेरियल अप्लाई करना। तो यहाँ से मैं कैटेगरी बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैट, एंड इसको मैंने दे दिया एक पैरामीटर, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर कर देते हैं इसको एडिट टाइप में जाकर, यहाँ पर मैं वाइट कलर ही दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन क्रिएट, और सीलिंग में भी हम कुछ मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। सीलिंग में मैं एक वुडन टाइप का मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ऑक फ्लोरिंग कर देते हैं, इधर भी ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर भी वही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। तो आई थिंक अब हमारा ये पूरा एलिवेशन के फाइनल टचिंग कंप्लीट। इसके बाहर वाली वॉल पर भी हम वाइट मटेरियल अप्लाई कर देते हैं,
चलिए इसको भी जूम करके यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी यहाँ यहाँ, ठीक है। तो हमारा सारा मटेरियल अप्लाई हो चुका है और जो हमारी स्टेयर थी स्टेयर पर भी हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रन टाइप में जाना है और यहाँ पर ये है ट्रेड मटेरियल। ट्रेड का मटेरियल जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, चाहे तो एक नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं और माय स्टेयर, ठीक है। और एक यहाँ पर ऑप्शन रहता है ओपन एसेट्स, यहाँ से आप अपनी रेविट की भी कुछ फाइलें ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है, कंक्रीट, सिरेमिक और बहुत सारी है, मेटल पेंट, मिरर, मेटालिक पेंट, तो यहाँ से भी आप मटेरियल ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखते हैं सिरेमिक में कुछ अच्छा सा मटेरियल अगर मिल जाए तो ये ले लेते हैं। अप्लाई, ओके ओके। तो ये हमारा हो गया स्टेयर का मटेरियल चेंज। ज़ूम करके आप देखिए, रियलिस्टिक फील नहीं आ रहा है। चलिए काम करते हैं, स्टेयर पर हम कर देते हैं मटेरियल चेंज। ब्लैक डायमंड वाला कर देते हैं। चलिए यही मटेरियल हम इस पर भी कर देते हैं, राइजर में भी, ओके। देन अप्लाई, ओके ओके। ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। चलिए ये आप अपने अकॉर्डिंग मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर। तो आई थिंक सारी फाइनल फिनिशिंग टचेस आर क्लियर एंड रेडी। अब यहाँ पर हमको फ्लोर में यहाँ पर भी एक कलर देना पड़ेगा, कुछ भी दे देता हूँ मैं, वाइट दे देता हूँ। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रोड भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैसे करना है आपको, कंपोनेंट में जाकर मॉडल इन प्लेस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप रेविट में सारी चीज़ें सीख गए हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, वो है रेंडरिंग, ठीक है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको मैं बड़े अच्छे से आपको सिखाऊंगा रेंडरिंग कैसे की जाती है। इसमें बहुत कम फंक्शन होते हैं इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जिसने अभी बेल आइकॉन नहीं दबाई वो दबा दीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।